आज हम टॉपिक करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देख, लेंथ किस किस तरीके से मेजर कर सकते हैं ऐसे देखते हैं। सबसे पहले फिंगर से ही मेजर करते हैं ना, फिंगर से ऐसे करके कितना डिस्टेंस हो गया है ना। ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। स्टैंडर्ड यूनिट वो होती हैं जिनमें हम हर चीज़ को नाप सकते हैं, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, ठीक है। वो तो होगी स्टैंडर्ड, क्या लिखवा दिया, ये नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स है, ठीक है। फिंगर्स बाय फिंगर्स, ठीक है। हैंड स्पेन, फिंगर से ऐसे नापते नहीं है, इतनी इतनी इतना इतना डिस्टेंस हो गया है ना। इतना इतना हाँ, इतना और भाई है, लिख देती हूँ, हैंड स्पेन, ये है नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। मतलब हम अपनी तरफ से बनाते, सबकी अलग अलग होंगी ये तो। तेरा हाँ हाथ छोटा है, मेरा हाथ बड़ा, तो अलग अलग होंगी। दी अलग अलग होगी। हाँ देखो, एक क्यूबिट, क्यूबिट होती है देख, ऐसे ऐसे रख के, ऐसे रख के, मतलब जो कोनी से लेकर हाथ रख के, नहीं करते हम मेजर। दिस इज यूज फॉर मेजरिंग द विड्थ ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ टेबल पे, जैसे करते हैं, ठीक है। फोर्थ, जैसे ए पेस, पैर से जो नापते हैं, ठीक है। पैर से नहीं कहते, वो एक पैर रख के दूसरा पैर रख के नापते हैं, ठीक है। ये होगी नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स, ठीक है। हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं, ये मेरा कोई वो नहीं है टॉपिक की, भाई नॉन स्टैंडर्ड बताऊंगी। देखो, स्टैंडर्ड यूनिट्स मेन पेपर में आता है, स्टैंडर्ड यूनिट्स कर लेना समझ ले, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मैं लेंथ, ठीक है। जैसे मीटर, आप इतना सेंटीमीटर, सारा लिख लेते हो ठीक है, देख लिया अब जल्दी से। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है? मीटर। देगा। स्टैंडर्ड देख ले जल्दी, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ऑफ लेंथ इज क्या है? मीटर, ठीक है। जो हम स्केल के माध्यम से, स्केल के यूज से हम नापते हैं ना, मीटर स्केल जो होता है, ठीक है। मेजरिंग टेप होती है, टेप वो ऐसे निकालते नहीं है, टेप से, मीटर स्केल से देख इसको करने दे। देखो, सेंटीमीटर से मीटर में, मीटर से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो बताती हूँ, मीटर से डेसीमीटर में, वो क्वेश्चंस करेंगे आज हम, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 100 सेंटीमीटर होते हैं, आसान क्वेश्चन। हाँ, है ना? ये तो तेरे को आता इजी है ना, इसलिए लग इजी रहा है आसान। क्वेश्चन। और 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? कितने डेसीमीटर होते हैं? डेसीमीटर 10। 10। ऐसे ही हम देखेंगे तो 1 डेसीमीटर में, मीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब मैं करवाऊंगी क्वेश्चन से कैसे इनको कन्वर्ट करेंगे। मीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। वो करते हैं, अभी हम क्वेश्चन देते हैं। देखो, सबसे पहले ए पार्ट है मान लो हमारे पास, ठीक है। टू कन्वर्ट, दीदी दीदी बाथरूम में जाऊं। दीदी मीटर इंटू डेसीमीटर, मीटर इंटू डेसीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखो, जैसे मैंने दे रखा है तो मैं एक देखो, मैं अब जल्दी जल्दी करवाऊंगी। 15 मीटर, 15 मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेगा देखो, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे 15 मीटर। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 10। 10 तो 15 में कितने होंगे? 15 इंटू 10 15 इंटू 10 डेसीमीटर होंगे, डेसीमीटर मतलब 150 डेसीमीटर। जब भी है ना, मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट होगा, हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से, तो हमारा आ जाएगा डेसीमीटर में आंसर। ऐसे ही देखिए, एक और पार्ट करवा रही हूँ, तो 12 मीटर दे रखा है, 12 मीटर में कितने डेसीमीटर होंगे, उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, क्योंकि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं ना, तो 12 में 12 इंटू 10 कितने हो गए? 120 डेसीमीटर, ठीक है। अब मीटर और डेसीमीटर कंबाइन दे दूं मैं, देखो, और रुक जा, जो बाहर की लाइट ऑन करके आ गए। कन्वर्ट इनटू डेसीमीटर, इसको भी डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। फाइव मीटर
थ्री डेसीमीटर, ठीक है। इस टोटल को देख लिया, मैं टेस्ट लूंगी फिर बाद में, इधर आके देख लिया। इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 5 मीटर 3 डेसीमीटर हमें कन्वर्ट डेसीमीटर में करना है, तो ये तो पहले से डेसीमीटर में है ना, तो हमें किस को कन्वर्ट करना पड़ेगा, सिर्फ 5 मीटर को ना। तो 5 मीटर को कैसे करेंगे, 5 × 10 डेसीमीटर है ना, कि 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 5 × 5 में 50 हो जाएंगे, 1 में 10 है तो है ना, 5 × 10 डेसीमीटर, प्लस में 3 डेसीमीटर हमें पहले से ही सम में दे रखा है ना, 3 तो अलग से दे ही रखा है, इसको तो कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। 5 × 10 50 डेसीमीटर प्लस 3 डेसीमीटर 50 3 डेसीमीटर, 5 मीटर 3 डेसीमीटर कितने बन गए, 53 डेसीमीटर, ठीक है। क्या इसको करवा दिया तुम, अपलोड नहीं बोलते करोगे? देख जल्दी, 5 डेसीमीटर दे, अपलोड करोगे यूट्यूब पे आप उसको? भी देखो, अब ध्यान से समझ लो, समझाने भी दो। 12 मीटर 5 डेसीमीटर, ये तो पहले से ही डेसीमीटर में, हमें कन्वर्ट सिर्फ किसको करना पड़ेगा डेसीमीटर में, 12 मीटर को। हाँ, ट्वेल्व ये इंटू मेरा 12 × 10 डेसीमीटर प्लस 5 डेसीमीटर, ठीक है। 12 × 10 कितना हो गया, 120 प्लस 5 सारा डेसीमीटर में ही हो गया, अब तो कन्वर्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर को, ये भी डेसीमीटर में बन गया, तो 125 डेसीमीटर। किसका 12 मीटर कितना हो गया, 120 डेसीमीटर। किसका 5 डेसीमीटर पहले से था, तो 120 + 5 125 डेसीमीटर। देखो अब सेंटीमीटर वाले करवा रही हूँ, जल्दी देखो। सेंटीमीटर वाले देखो अब जल्दी से क्वेश्चन। कन्वर्ट इनटू कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स, ए पार्ट है मेरा सर लो एक है 6 मीटर, ठीक है। 6 मीटर दे रखा है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। आई नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या लिखवा रहे हो, सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसमें भी ऐसे लिखोगे, आई नो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितने होंगे, 6 × 100 है ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो गए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर इज इक्वल टू 6 × 100 सेंटीमीटर। सिक्स हंड्रेड सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन दे दूँ तुम्हें, 7 मीटर करो, ठीक है। तो हमें पता है 1 मीटर में कन्वर्ट सेंटीमीटर में करना, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 7 × 7 मीटर में कितने होंगे, 7 × 100 700 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे इसको भी ये क्वेश्चन है, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में है कन्वर्ट करने, लेकिन इसमें मिक्सिंग दे रखी होगी मीटर और सेंटीमीटर की। जैसे देखो, ए पार्ट दे रखा है हमारा 3 मीटर 12 सेंटीमीटर, तो इसमें 12 सेंटीमीटर तो पहले से दे रखा है सेंटीमीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है सिर्फ। 3 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, 3 × 100 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर, इनको प्लस करेंगे तो इसमें 300, 3 मीटर में 300 सेंटीमीटर हो गए, और ये 12 सेंटीमीटर पहले से थे, तो कितना हो गया, 300 + 12 312 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे मीटर टू सेंटीमीटर चेंज करने के लिए, यूनिट्स होगी, ठीक है। अब डेसीमीटर इंटू सेंटीमीटर और बता देती हूँ, देखो देख, बाहर छिपकली, क्या किया आप, छिपकली बैठो। देखो हमने पहले ये लिखा था ना, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ठीक है, ये लिखा था ना। सॉरी, एक सवाल पूछो, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 100, ओए डेसीमीटर 10, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, एक साइड तेरा पापा है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर,
ठीक है, तो इसमें तो हमें 10 पता हुए, क्या करना एक है, डेसीमीटर में सिर्फ 10 ही तो सेंटीमीटर हुए, क्या तो पता एक डेसीमीटर में इन दोनों को इक्वेट करेंगे, एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, देखो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू सही जा 1 मीटर रहा के इक्वल, ये है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 10 डेसीमीटर है, तो देखो 100 सेंटीमीटर और 10 डेसीमीटर इक्वल है, तो इससे ये कट गया 10 × 100, तो 1 डेसीमीटर में कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसे मीटर। लिखते हैं 1 डेसीमीटर में कितने हैं 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ठीक है, अब देखो क्वेश्चन करवाती हूँ मैं, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर करवाऊंगी, ठीक है, इनटू सेंटीमीटर, ठीक है, देवी अभी तो डेसीमीटर को कितना अब ही लिखा सेंटीमीटर है। में कन्वर्ट करना है, ठीक है, 9 डेसीमीटर, अभी टेस्ट दूंगी तो पता चलेगा, 9 डेसीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 डेसीमीटर में कितना सेंटीमीटर होते हैं 10, हाँ 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं बताओ, वन वन बाय टेन सेंटीमीटर में 10, वन 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर, बाय 10 10 डेसीमीटर में 9 × 10 सेंटीमीटर मतलब 90 सेंटीमीटर, ठीक है, सेकंड पार्ट है, देखो जैसे दे दिया मैंने, अब वो दूसरे वाला कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, लेकिन दोनों दे रखे होंगे सेंटीमीटर वाली यूनिट भी और डेसीमीटर वाली भी, 2 डेसीमीटर 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये डेसीमीटर वाला सिर्फ सेंटीमीटर में हमने कन्वर्ट करना है, ये तो सेंटीमीटर में पहले से ही है और हमें कन्वर्ट भी सेंटीमीटर में ही करने हैं, तो इसको तो पहले से हम +2 सेंटीमीटर करेंगे, ठीक है, 2 डेसीमीटर को कैसे करेंगे, अभी अभी भी मत आते, अभी भी मत आओ,